हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम गुजराती सीखेंगे। गुजराती में तो हमारा जो बुक्स है, हमारी जो बुक्स है उसमें 1 to 6 चैप्टर है, वो तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम आगे सीखेंगे बाराक्षरी। आज हम गुजराती की भी बाराक्षरी सीखेंगे और उसके इंग्लिश भी सीखेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। गुजराती में उसको बाराक्षरी कहते हैं। तो फर्स्ट हम क की लाइन स्टार्ट करते हैं। क का, कने रस बई की, कने दीर्घ की, कने रस बावाड़ू कु, कने दीर्घावाड़ू कु, कने एक मात्र के, कने बे मात्र कई, कने कानो मात्र को, कने काना बे मात्र कौ, कने माथे मींडू कम, अने कने बाजू बे मींडा कह। तो ये हुई हमारी क की लाइन। अब हम इसका इंग्लिश करेंगे। तो क का क्या होता है, के ए। तो क का आएगा के ए। काका भी वही बनता है, काका के ए। कने रस बई की, तो कने रस बई की का बनता है के आई। दीर्घ की का के डबल ई। कु का के यू। दीर्घ कु का के डबल ओ। कने एक मात्र के, एमनू थसे के ई। कने बे मात्र कई, के ए आई। कने कानो मात्र को, के ओ। कने काना बे मात्र कौ, के ए यू। कने माथे मींडू कम, के ए एम। ने कने बाजू बे मींडा कहाँ, के ए एच। तो ये हुई हमारी क की लाइन कंप्लीट। तो ये बच्चों आपको अपनी नोटबुक में लिखना है 2-3 टाइम्स एंड इसको लर्न भी करना है। ओके, अब हम आगे सीखेंगे ख की लाइन। तो ख की लाइन भी वैसे ही आएगी जैसी क की आई है। ख, खने खानो खा, खने रस बई खी, खने दीर्घ खी। पहले रस बई आएगी, बाद में दीर्घ। वैसे ही इसमें आता है, पहले रस बावाड़ो फिर दीर्घ वाड़ो। खने रस बावाड़ो खु, खने दीर्घ वाड़ो खु, खने एक मात्र खे, खने बे मात्र खई, खने खानो मात्र खो, खने खाना बे मात्र खौ, खने माथे मींडू खम, अने खने बाजू बे मींडा खह। तो ख का क्या होता है इंग्लिश में, जब हम व्यंजन स्वर लिखते तब क्या होता है ख का, के एच ए। तो ख का आएगा के एच ए, खा का आएगा के एच ए। ये दोनों का सेम ही आता है। खने रस बई खी का आएगा के एच आई। खने दीर्घ खी नू के एच डबल ई। खने रस बावाड़ू खू के एच यू। खने दीर्घ वाड़ू खू के एच डबल ओ। खने एक मात्र खे के एच ई। खने बे मात्र खई के एच ए आई। खने कानो मात्र खो के एच ओ। खने खाना बे मात्र खौ के एच ए यू। खने माथे मींडू खम के एच ए एम। खने बाजू बे मींडा ख के एच ए एच। ओके, तो ये हुई हमारी ख की लाइन। ख के बाद क्या आएगा, यस ग। तो ये ग की लाइन है। ग, गने गानो गा, गने रस बई गी, गने दीर्घ गी, गने रस बावाड़ू गु, गने दीर्घ वाड़ू गु, गने एक मात्र गे, गने बे मात्र गई, गने गानो कानो मात्र गो, गने काना बे मात्र गौ, कम गने माथे मींडू कम, गने बाजू बे मींडा गह। तो ये हुई गुजराती की लाइन। अब इसका हम इंग्लिश करेंगे। ग का आता है जी ए, गा का भी जी ए। गने रस बई गी का जी आई, गने दीर्घ गई जी डबल ई, गने रस बावाड़ू जी यू, गने दीर्घ वाड़ू जी डबल ओ, गने एक मात्र जी ई, गने बे मात्र जी ए आई, गने कानो मात्र गो जी ओ, गने काना बे मात्र गौ जी ए यू, गने माथे मींडू गम जी ए एम, अने गने बाजू बे मींडा गह जी ए एच। तो ये हुई हमारी 3 लाइन्स क ख एंड ग। तो ये जो क ख ग की बाराक्षरी है बच्चों, वो आपको अपनी नोटबुक्स में लिखनी है और लर्न करनी है। हम ऐसे ही आगे की, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जो बाराक्षरी है वो सीखेंगे।